नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। यह हमारा साइंस का पार्ट नंबर 2 है। हमने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह साइंस की लगातार सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 40 प्रश्नों को रखा गया है। आप इन 40 प्रश्नों में कितना सही कर पाते हैं, आप अपनी IQ चेक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है, जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया, यही बताना है। ऑप्शन ए में है अपचयन अभिक्रिया, बी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सी में विस्थापन अभिक्रिया, डी में अपचयोपचयी अभिक्रिया। बताइए, लोहे में जो जंग लगता है वही बताना, ये कैसी अभिक्रिया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। भारत का पड़ोसी देश जो भूमि के साथ साझा नहीं करता है, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। बताइए, भारत का पड़ोसी देश तो है लेकिन भारत के साथ साझा नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव। मालदीव जो है हमारा पड़ोसी देश तो है लेकिन साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जो हमारे ऑप्शन ए में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कोई ऐसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव होगा। कोई ऐसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आप लोगों को हमने कल पार्ट नंबर 1 में बताया था, जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 10। 7 से ऊपर जो होता है वो क्षार होता है, 7 से जो नीचे होगा वो अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एल्केन की पहचान करें। निम्नलिखित में से एल्केन की पहचान करें, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, CnH2n+2 होता है इसका फार्मूला। तो अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, एल्केन के ही वो पार्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि C2 2×4+2 है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, SCN, हाइड्रोसोनिक अम्ल कहा जाता है यह। अगला क्वेश्चन, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ऑप्शन ए में है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, बी में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, सी में है प्रोटॉनों की संख्या, और डी में है न्यूट्रॉनों की संख्या। केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऊष्मा की कौन सी विधि है जो माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण, संवहन, चालन, विसरण। ऊष्मा के 3 विधियां होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण। विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आती है या डायरेक्ट आ जाती है, इसका कोई माध्यम नहीं है। और संवहन होता है जो ध्रुव में होता है, और चालन ठोस में होता है। जैसे कोई भी लोहे के छड़ को अगर गर्म करते हैं एक साइड की तरफ, तो जब तक वह प्रक्रिया जारी रहेगा जब तक पूरा लोहा गर्म नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड
कि प्राकृतिक बतानी है कैसी होती है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बी प्राकृतिक में उभधर्मी होते हैं, सी प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, डी प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। इसका कल एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे आया था जो पार्ट नंबर 1 में है, अगर आपने कल वो क्वेश्चन देखा होगा तो आप ये कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधातु ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं और धातु के जो कल पूछा गया था वो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तरत्व तो किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो तरत्व तो होता है वो किस पर निर्भर करता है। ए में है आवृत्ति पर, बी में तरंग दैर्ध्य पर, सी में तीव्रता पर, डी में वेग पर, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा आवृत्ति पर। जिस व्यक्ति का अगर आवृत्ति उच्च रहेगा उसकी आवाज़ पतली रहती है, जिसका कम रहेगा उसका मोटी होती है, इसीलिए औरतों का आवाज़ पतला होता है क्योंकि उनकी आवृत्ति उच्च होती है। अगला क्वेश्चन, लाउडस्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन, लाउडस्पीकर में ऊर्जा किस माध्यम में परिवर्तन होता है ये बताना है। पहला क्वेश्चन, ध्वनि से यात्रा तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में, बी में है विद्युत से यात्रा तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो लाउडस्पीकर में जो हमारा होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, करेक्ट आंसर होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रथम नियम। प्रथम नियम ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा की व्याख्या होती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का समय किस पर निर्भर करता है ये बताना है आपका। केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर, डी केवल वेग पर निर्भर करता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग भी गेस करिए क्या होगा, हमारा इसका आंसर है सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है, जी का मान सर्वाधिक होता है, ए में है माउंट एवरेस्ट, बी में कुतुब मीनार की चोटी पर, सी में विषुवत रेखा पर, डी में अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। बिल्कुल यह क्वेश्चन ऑप्शन को देखते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, जो आप लोग सोच रहे होंगे इसका ही आंसर होगा, अंटार्कटिका में। हम लोग काफ़ी दिनों से चाहे कभी भी छोटे पे से पढ़ते आ रहे हैं कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, अंटार्कटिका में, ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, केल्विन जो पैमाना होता है उस पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है यही बताना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, फारेनहाइट। हम आप लोगों को तीनों आंसर बताएंगे इसका, तीनों पैमाने का कितना कितना होता है। पहला तो दिया ये केल्विन के स्केल में मानो कितना तापमान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 310। फारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, 10 मीटर की दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी वह दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। तो यह कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए सी होगा मायोपिया, इसका करेक्ट आंसर होगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए में है वेग के द्वारा, बी में आयाम के द्वारा, सी में तरंग दैर्ध्य के द्वारा, डी में आवृत्ति द्वारा,
बताइए आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरंग धैर्य द्वारा, सी। तरंग धैर्य द्वारा किसी भी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन बताना है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो भी कोई पदार्थ एक दूसरे रूप में लेता है पुनः उसी रूप में वापस नहीं आ सकता है। तो आप लोग इसका आसानी से उत्तर अब दे सकते हैं, लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, डी में कोयले का जलना। यानी तीन इसमें से रासायनिक होगा, एक भौतिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, जो फिर है भाप फिर पानी बन सकता है, इसलिए वो भौतिक हो जाएगा। और तीनों ये जो है दूध से दही बनना, कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? किसके जलने से? कोयला, CNG जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, CLPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी हाइड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कोयला। कोयला ऐसे चार प्रकार के होते हैं, उच्च कोटि का कोयला अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर किसी को जानकारी है तो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आप लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इतना हम लोग दूसरे तार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, इसका करेक्ट आंसर होगा चांदी। आप लोग बताइए चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत क्या होता है? चांदी का संकेत होता है हमारा AG, AG होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ए में है स्टील, बी में पिटवा लोहा, सी में ढलवा लोहा, डी में स्टेनलेस स्टील। बताइए, जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी वह शुद्ध लोहा होता है। तो हमारा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, स्टील। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, भारी जल है, भारी जल क्या है, इसका फॉर्मूला बताना है, चाहे इसको किस से संकेत करते हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? बेहोश करने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन होगा? आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ए में मीथेन, बी में अमोनिया, सी में क्लोरीन, डी में क्लोरोफॉर्म। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 6 रखी गई है, जिसमें से बताना है कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। 3 इसमें से होगा और 1 नहीं है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है। आर्गन, नियान, क्रिप्टान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुण सूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XOXXX XXXY। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इस सीरीज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से मिलाकर क्वेश्चन रखा गया है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा XY, जो लड़के के लिए पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, क्योंकि माता में तो XX ही मिलता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न से किस उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता? ए में हीमोग्लोबिन, बी में हिपेरिन, सी में फाइब्रिनोजेन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है, इसी के कारण
हमारे रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न से उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। देखिए हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैड ब्लैडर, डी लीवर। तो यह अग्नाशय के पैंक्रियाज बीटा कोशिका से निकलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर किस में रखा गया? ए, पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ए में 46, बी में 48, सी में 49, डी में 50। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? ए में प्रोटोजोआ, बी में बैक्टीरिया, सी में वायरस, डी में नीमेटोड। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु के कारण हमारा दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदलती है? किसमें हो रहा है? देखिए वाष्पोत्सर्जन, पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। बताइए इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बता सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? जो भी पौधा होता है वह जल का संवहन, जो ऊपर से नीचे तक जल जाता है, उस कौन कार्य करता है? कैम्बियम, बी फ्लोएम, सी से जाइलम, डी अधिचर्म। तो जल दिया है, इसका ट्रिक भी है, जल संवहन, जल से जाइलम। इसका करेक्ट आंसर होगा जाइलम, सी। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार डॉट 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 बढ़ता है, घटता है, न बढ़ता है न घटता है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सी लोग गलत करते हैं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोहे में जंग लग रहा है तो इसका वजन तो घटेगा, ऐसा नहीं होता है। लोहे में जंग लगने पर इसका वजन बढ़ता है, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला, फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? ए में तांबा और लोहे का, बी तांबा और शीशे का, सी शीशा और टीन का, डी शीशे का। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शीशा एवं टीन, शीशा एवं टीन का होता है, जिसमें 67% टीन होता है और 33% शीशा होता है, परसेंटेज में रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए में 4, बी में 6, सी में 8, डी में 2। अगर आप लोग इसको अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं, आवर्त सारणी को। तो जितने भी अक्रिय गैस होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका लास्ट में हमारा 8 आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8, सी। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए में पाचन क्रिया में सहायता करना, बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं, आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, आरएनए का कार्य ही होता है। और डीएनए जो होता है इसको गुणसूत्र को एक क्रिया से दूसरे क्रिया में आनुवंशिक गुणों को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन,
वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के किसके बीच की उपस्थिति कारण स्पष्ट होता है। ए में कोशिका भित्ति, बी में माइटोकांड्रिया, सी में केंद्रिका, डी में प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति, ए। वनस्पति जगत में कोशिका भित्ति पाया जाता है जबकि प्राणी जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और बाकी सब सेम होता है। अगला क्वेश्चन, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? आप लोगों को पता होगा चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, तो यानी पृथ्वी पे 600 न्यूटन का है तो इसका 1/6 कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा 100 न्यूटन हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होता है बताइए, इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा निर्वात में, वैक्यूम जिसे बोलते हैं। प्रकाश में ही निर्वात की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है? ए में है पराबैंगनी, बी में प्रकाश किरणें, सी में गामा किरणें, डी में अवरक्त। बताइए इसका आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अवरक्त किरण, जिसे इंफ्रारेड किरणें कहते हैं। हमारा सीरीज का ये लास्ट प्रश्न था, हम फिर अगले सीरीज में 40 प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।